तो हेलो गाइस, तो हम इस ठंड में आए हैं मुरा वादी चाय पीने के लिए। दिखाते हैं आपको नज़ारा कैसा है यहाँ का माहौल। और अभी तो चारों तरफ बारिश हो रहा है झारखंड में, तो रूम में बोरिंग हो रहा था तो सोचे चलो चाय पी के आते हैं। तो चलिए अभी दिखाते हैं आगे का नज़ारा और मुरा वादी का थोड़ा माहौल। और ये मोराबादी का दूसरा साइड आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही गमगीन हो गया है, और इस मौसम में पकोड़े या चाय मिल जाएगा तो मतलब सोने पे सुहागा नहीं बोल सकते, वो हो सकता है। तो अभी जाते हैं थोड़ा चाय का मज़ा लेते हैं, कुल्हड़ चाय या तंदूरी चाय जो मिल जाए। और यहाँ पे मौसम देखा जाए तो बहुत ही भयानक मौसम कर दिया कुहेसा, आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं। घर में सोना चाहिए बट यहाँ पे मानने वाले लोग थोड़े हैं, क्योंकि मौसम गमगीन है, चाय पकौड़ा का आनंद लेना चाहिए मगर लोग माने तब तो। और लोग तो कम्बल और रजाई का लुक उठा रहे ठंडा का, मगर जो ठंड का मज़ा आप घर से बाहर निकल के चाय पीने का जो मज़ा है ना, जो एक्सपीरियंस है, जो लोग ट्रैवल करते हैं वो जानते हैं कि इस पल का आनंद कैसे लिया जाता है। तो मैं भी थोड़ा सा रूम से निकल के थोड़ा सा आनंद ले रहा हूँ ज़िंदगी का, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा रांची में पड़ रहा है कंटिन्यू, डेढ़ दिन से बारिश हो रहा था। तो अभी हम भी आए हैं मुराबादी, देखते हम भी थोड़ा चाय वो पीते हैं उसके बाद। तंदूरी चाय के पास आ गए, यहाँ पे चाय पियेंगे उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो चलते हैं चाय पीने। यहाँ पे हम भी तंदूरी चाय का लुत्फ उठा रहे हैं, बहुत मुश्किल के बाद ही चाय मिला क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, देख सकते हैं। यहाँ पे चाय पीने के बाद उसके बाद अभी निकलेंगे और यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, उसके बाद रूम जाएंगे।